अस्सलाम वालेकुम गाइस, व्हाट्सअप। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज यार फैसलाबाद स्टेडियम में मैचेस हो रहे थे, तो आवाम का जमने का फील था आपके सामने। रश तो बहुत ज़्यादा है, तो सियालकोट स्टेलियंस वर्सेस पैंथर्स का मैच हो रहा था, तो मैंने कहा यार आज मैच देखने चलते हैं। कज़न भी कह रहा था काफ़ी दिनों से कि मैच देखने जाना है, तो ये भाई कह रहे थे हमें भी यार व्लॉग में लेके आओ। तो बड़ा मज़ा आया। आवाम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा ही रश है, क्योंकि वो पीछे भी मतलब इन्होंने बड़ी जगह सिक्योरिटी का बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ था। काफ़ी जगहों पे यहाँ पे बैग्स वगैरह चेक हो रहे थे, और एक जगह पे नहीं हो रहे थे, तीन चार जगहों पे बैग्स को चेक किया जा रहा था, और सिक्योरिटी के बहुत अच्छे इंतजाम थे। ये आप चेक कर सकते हैं, पूरा स्टेडियम इन्होंने बंद किया हुआ है, जितनी भी दुकानें थी ये स्टेडियम के नीचे सिंधवाद को भी बंद किया हुआ है। तो मामला बड़े अच्छे हैं, फुली मौसम भी बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि आगे पीछे तो मैं होती है ज़रा धूप ज़्यादा, और आज मौसम भी बहुत अच्छा था। और ड्रोन साहब भी आ गए हमने देखने के लिए कि आप लोग भी आ गए हाजिर लगाने के लिए। तो ये मेरा मामू है, ये मेरा कज़न है, तो आज देखेंगे कि क्या वहाँ पे मामला चल रहे हैं, कैसा माहौल। तो जी सिंधवाद वगैरह को सारे को बंद किया हुआ इन्होंने, ठीक है, क्योंकि मैचेस हो रहे हैं और मैचेस हो रहे हैं क्लास के, ठीक है। आज बाबर आजम का मैच है, उसको देखने के लिए हम ये तीन तमाशा ही आ चुके हैं। बाबर आजम को डायरेक्टली सपोर्ट करना है हमने, और छलांग भी लगानी है एक बंदे ने हमने से। यही अंदर अंदर मारनी है, जो कुछ हिसाब किताब लग गया थे पास, नहीं तो क्योंकि तुम्हें पता अंदरों ही बड़ी पेनी है, फायदा कोई नहीं है फिर। आप आवाम का जम्मे का फिर आना शुरू हो गया है अभी। एक्चुअली ज़रा ना टाइम जो है ना अभी हुआ नहीं है, क्योंकि आवाम जो है ना वो छुट्टियां मतलब कि अपने काम वगैरह पे गई हुई है, तो वहाँ से जब जैसे ही छुट्टी होनी है तो आपको इतनी आवाम नज़र आनी है। अभी हम स्टेडियम के अंदर जाएंगे और जाके आपको दिखाएंगे। फाइनली वी आर एंटर इन टू द स्टेडियम, एंड क्या बात है, बाबर कुछ ना कुछ हो गया, बाबर आजम के साथ कोई प्रैंक तो नहीं हो गया। लो जी बाबर ने आना है, अभी आउट तो नहीं हुआ कोई। यार ये सरफराज अहमद ने क्या कमाल क्लासिकल फील्डिंग कर दी है यार, कीपिंग की है गाइस, क्या बात है यार, बहुत आला यार, बहुत आला, इसी को कहते हैं तजर्बा। आपने ब्लॉग में पहले भी देखा होगा, बाबर के लिए सारी आवाम खड़ी हुई थी, अब चेक कर सकते हैं बैठनी शुरू हो गई है सब बाबर के लिए। यार बाबर की माशाल्लाह फैन फॉलोइंग जो है वो क्लास है। बाबर एक खुद में भी ब्रांड है और पाकिस्तानियों के दिलों में भी ब्रांड ही है। रिफ्रेशमेंट खोले यार, बहुत ज्यादा लगती है, ठीक है, तकरीबन एक घंटा हो गया मैं आए हुए। ये बाबर आजम ने क्लासिकल क्लासिकल पॉइंट की जानब खेला है, तो अभी हम भूख लगी है बहुत ज्यादा, वो अभी हमने ना खाने पीने का इंतजाम किया हुआ है हमारा अपना, क्योंकि यहाँ पे चीजें महंगी बहुत होती हैं, तो इस वजह से ना इंतजाम करना पड़ता है। गाइस लाइट्स ऑन हो चुकी हैं, आहिस्ता आहिस्ता अभी यहाँ पे ना दिन का समय होता है ना, अभी बाबर आ गए हैं स्ट्राइक पे, तो लेट्स सी बाबर क्या करते हैं अभी। ये आप चेक कर सकते हैं, आवाम का रश जो है वो बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका है, तो आवाम जो है ना वो आपके सामने दूसरे इंक्लोजर भी भरे पड़े हैं, ठीक है, अभी खड़ा होना पड़ेगा आपके भाइयों को आपके लिए। तो ये आप चेक कर, ओ गुड सिंगल यार, रहती है सांसे अपनी हवा बन जाती है, साबिर की तालियां बजाएंगे बाबर आजम के लिए, एक साबिर की तालियां बजाएंगे। Hey!
जैसे रात हुई है तो यहाँ पर जैसे आप चेक कर सकते हैं दिन का समय हो गया तो बहुत ही प्यारा माहौल हो गया था। शाम तो चार शाम लग गई थी क्योंकि रोशनी इतनी ज़्यादा हो गई थी। और क्या बॉल पे चार रन रह चुके हैं गाइस, क्या बात है माशाल्लाह, बहुत ज्यादा बॉबर। तीन बॉल पे चार रन रह गए 100 रन होने के लिए। लास्ट बॉल ऑफ दिस इनिंग आपको कैसी लगी, मजा आया सेंचुरी कर दी आज बाबर ने, बताएं आपको कैसा लगा। आप मुझे बताएं, मेहर भाई आप मुझे बताएं कि यार आज का जो मैच है आपको देखने का मजा है। मेनू पानी लेके आई, पानी नहीं मिला यार, मशीन नहीं लगता यार, ये हमारे ब्लॉगर्स आ गए हैं ब्लॉगिंग में, मशीन दे पानी कोई नहीं मिला, पानी नहीं मिला, खान पीन सामान ले आयो ना, एक पानी सीगा बस, ठीक है ओके करो, खान पीन सामान आ गया और कोई नहीं चाहिए। हमारे फ्यूचर के बॉलर और माशाल्लाह आजकल साइज से नीचे नहीं आ रहे, पता नहीं क्यों क्या हो गया इनको। गाइस मजा कोई नहीं आ रहा, जो मजा आ रहा था वो आ चुका है। मुझे लगता है यहाँ पे ब्लॉग को एंड करना चाहिए क्योंकि 40 बॉल पे 40 रन पे 3 आउट हो चुके हैं। बाबर साहब स्लिप पे हैं, आर साहब आपके सामने हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे व्लॉग को एंड करना चाहिए। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।